हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं देहरादून टैक्सी स्टैंड। यहाँ पे आपको धनौल्टी के लिए बस और टैक्सी अवेलेबल हो जाए। अभी हम देखते हैं कि हम मसूरी तक जाएंगे पहले बाय बस, क्योंकि टैक्सी का ये 5000 मांग रहे हैं। हम 6 लोग हैं तो वो हमारा थोड़ा आउट ऑफ बजट हो रहा है। तो हम लोग देहरादून से मसूरी तक जा रहे हैं पहले। ये है बस और ये है ड्राइवर बस के। तो ये बता रहे हैं हमें कि मसूरी तक आपको ये बस लेके जाएगी, उसके बाद आपको टैक्सी या वहाँ से भी बस मिल जाएगी। हाँ, और शेयरिंग का क्या बता रहे थे? टैक्सी वाले बताएंगे शेयरिंग कितना रुपए। अच्छा, वैसे वहाँ पे बस कितने तक की मिलेगी हमें? बस का तो अगर बस जाएगी होता है। अच्छा, कितना होता है? वहाँ है, वहाँ पर जो भी है। अच्छा, सरकारी बस है वो। फिक्स होता है? अच्छा, सरकारी बस है, लेकिन जैसे रोड रेलवे। अच्छा, और टाइम कितना लगता है जाने में? वहाँ तो लगभग 1.5 घंटा लगेगा, और यहाँ से भी 1.5 घंटा। अच्छा ठीक है। अभी आपने देख लिया कि उन्होंने बताया हम पहले मसूरी तक जा रहे हैं, 1.5 घंटा लगेगा हमें। इनका किराया बस का 65 बताया है वो, जो कि फिक्स होता है क्योंकि गवर्नमेंट बसेस है। तो हम लेंगे ये बसेस, फिर हम देखते हैं मसूरी तक जाते हैं। अगर हमें मसूरी में बर्फ़ मिल जाती है तो हम वहीं इंजॉय करके आ जाएंगे, लेकिन नहीं मिली तो हमें धनौल्टी जाना पड़ेगा। तो हम जाएंगे क्योंकि हमारे जो ट्रिप्स होते हैं वो बजट ट्रिप्स होते हैं, तो हम बजट में ही आपको सब कुछ करके दिखा रहे हैं। तो चलिए, ये है, देखिए हमने टैक्सी बुक की है यहाँ से डायरेक्ट धनौल्टी के लिए, क्योंकि ये बता रहे हैं कि वहाँ पे हमें बस अवेलेबल नहीं होगी, ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। तो अभी हमने यहाँ से डायरेक्ट टैक्सी कर लिया है। इन्होंने हमें 3500 में मान लिया, हमने बहुत बहुत मुश्किल से मनाया इन्हें। तो ये है, तो आप आए तो सब देख के आइए, जितनी बार्गेनिंग कर सकते कीजिए। और ये बहुत दिक्कतें हो रही है इस टाइम पे, पर मैं आते तो इतना नहीं होता है। तो आप आइए और चलिए हमारे साथ धनौल्टी। ये हम निकल चुके हैं धनौल्टी के लिए। अभी टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है? अरे 8 बजे रहे, 8:30, 8:30 हो रहे हैं। अभी देखते हैं हमें कितने देर लगते हैं। ये हमारे ड्राइवर है जो हमें हमारे ग्रुप कैसा लग रहा है आपको? अब हम जाके मजा लेंगे पूरे बर्फ के। बर्फ हमें जरूर मिलेगी, हमें पूरा यकीन है। वे बढ़िया वाले, चलिए। देखिए कितनी धुंध हो रही है। हम यहाँ रुके हैं मैगी पॉइंट पे, बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस, बहुत कुल्फी जम रही है। आप ये देखिए मैगी, धुंध देखिए, धुंध मतलब आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। क्या है यहाँ पे, ये पूरा वाइट एकदम नहीं दिख रहा है गाइस, पीछे पूरा ही देखिए ओस से हमें पता चल रहा है कि हमें पक्का बर्फ मिलेगी। ये देखिए गाइस हमारी मैगी गर्मा गर्म इस ठंड में, जो कि बहुत ही अच्छी लगेगी हमें गर्म में। हमें बर्फ फाइनली मिल गई। ये देखिए आपको दिख रही होगी, ये स्नोफॉल हो रही है, पूरी बर्फ। ये देखिए कितनी बर्फबारी हुई है यहाँ, धनौल्टी में बर्फबारी, बर्फ लगा है जाम।
ये देखिए बर्फ वाली धनवल्टी में स्नोफॉल हो रही है। देखिए हमारे फेस पे भी आ रही है स्नोफॉल। वाओ ये देखिए बर्फबारी लाइव स्नोफॉल धनौल्टी में। ये पैर फिसलेंगे इसमें ठीक है। देखो गाइस देखिए हम थोड़ा सा ऊपर आए हैं और यहाँ पे मस्त बर्फ पड़ी हुई है धनौल्टी में। अभी हम धनौल्टी पूरा ऊपर भी नहीं गए हैं क्योंकि हमें नीचे ही बर्फ़ मिल गई है क्योंकि बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो अगर आपको नीचे भी बर्फ़ मिल जाती है तो आप यहाँ भी मज़े ले सकते हैं क्योंकि आपको ट्रैफिक जाम में फंसने से अच्छा है कि आप यहीं मज़े ले लें। आराम से आराम से। सब लोग कैसा लग रहा है सबको कैसा लग रहा है फिसलन फिसलन धनौल्टी मजा आ रहा है बहुत ज्यादा बट बहुत ठंडी है यहाँ पे मजा आ रहा है। आराम बहुत स्लिपरी है देखिए मेरे स्लिपरी है मेरे स्लिपरी है। आराम से बी केयरफुल। वाह वाह भाई स्नोमैन और ये वेदर सबके सब मजे ले रहे हैं। वाह धनौल्टी ब्यूटीफुल सब स्नो स्नोमैन की चर्चा यहाँ पे। हाँ हाँ भाई अब हम थोड़ा सा गाइस आगे जा रहे हैं ताकि हमें और बर्फ मिले। हाँ ये बहुत फिसलन होता है दोस्तों। देखे हाँ ये रोड कैसा एकदम स्लिपरी है और इस पे गाड़ी चलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। बट ब्यूटीफुल वेदर एंड ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ का। एंजॉय कर रहे हैं देखिए दोस्तों कितनी गहरी खाई है और बर्फ ही बर्फ से ढकी हुई है। बर्फ में मजे लेते हुए इनका कंपटीशन चल रहा है एक दूसरे को एक दूसरे और बहुत मजा आ रहा है। ये अरे बस करो अरे अरे आराम से ट्रैक्टर के द्वारा रास्ता साफ किया जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ हो चुकी है।
फिसलन हो चुकी है। ये देखिए आप बर्फ हर जगह, स्नो 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 एवरीवेयर। देखिए हमें यहाँ पे एक मैगी वाले मिले हैं भैया। देखिए यहाँ पे ये पहाड़ों में मैगी खाने का, देखिए यहाँ पे हमें ये शॉप मिली इतनी दूर चलने के बाद, तो ये हमारे लिए एक तरह से बहुत ही बढ़िया चीज़ है। हम यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट खाएंगे और मैगी मैगी। कितने ऑमलेट बोलो फिर, बर्फ की नहीं थोड़ी सी दूरी बता दे, तीन ऑमलेट बोलो कितने का, तीन तो खाओ भैया। चलो ठीक है तीन तो बोलो, तीन कर देना भैया, तीन ऑमलेट। फिर से हो गई है स्नोफॉल स्टार्ट। हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया है और हम जा रहे हैं अपनी टैक्सी की तरफ और हम वापस जाएंगे नीचे और हम थोड़ा मसूरी देखते हैं, अगर वहाँ पे कुछ देखने को मिले तो हम देखेंगे ज़रूर। आप बस ये जो ब्यूटीफुल वेदर प्लस ये वादियाँ पर से स्नोफॉल और मज़ेदार बना देते हैं आपके एक ट्रिप को यादगार बनाने के लिए काफ़ी है। स्नो स्नो ये देखो मम्मी की कैप, स्नो कितनी गिरती है यहाँ पर, ये देखो सबकी कैप्स देखो भाई साहब, ये देखो ओ गॉड ये तो पहले ही बर्फ की बनी हुई है। स्नो स्नो एवरीवेयर स्नो, ये देखो स्नो फॉल हो रहा है। स्नो फॉल स्नो फॉल स्नो फॉल, कैसा लगा दीपू? इट्स फील ऑसम। देखो भाई बहुत बढ़िया, मतलब स्नो फॉल हो रही है इधर। आई डोंट नो इसमें दिख रहा होगा, दिख रहा होगा स्नोफॉल। देखिए गाइस अब थोड़ा टाइम हो गया तो और ज्यादा स्नोफॉल हो गई है, देखिए बुरी तरह से स्नोफॉल में मजे ले रहे हैं हम लोग। इट्स रियली ब्यूटीफुल।